गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर क्लास 12 का इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी चैप्टर नंबर फर्स्ट द गोल्ड वॉच, जिसके राइटर हैं पंजिकार राफे, और उनका पैसेज नंबर 2 लेकर के आया हूँ। आपको बताया भी हूँ कि पैसेज नंबर फर्स्ट मैं बता भी चुका हूँ और पैसेज के माध्यम से ही आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है शंकु थॉट्स बिगेन टू लिंगर ओवर द थ्रोनी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। शंकु अपनी जीवन की गंभीर समस्याओं के बारे में सोचने लगा। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, अगले दिन महीने का तीसरा दिन होगा। इन अदर 3 days ही वुड गेट हिज पे 13 rupees फॉर 13 days, और इन 3 दिनों में वह 13 दिन का वेतन 13 rupees प्राप्त करेगा। He had to pay 4.5 rupees for purchase at the store. There would be balance of 8.5 rupees, और उसे एक दुकान पे जहां से उसने वस्तुएं खरीदी थी उस दुकान पे उसे 4.5 rupees देना था। उसके बाद उसके पास केवल 8.5 rupees की धनराशि शेष बचेगी। He had repaired only 5 out of the 10 rupees. 10 rupees he had borrowed from the fund the previous month go to home for his mother's death anniversary. वह पिछले महीने अपनी माता की बरखी के लिए जब गांव गया था तो उस फंड से उसने 10 rupees लिए थे, जिसमें से उसने केवल 5 rupees ही चुकता किए थे। No, he must pay the remaining 5 rupees with interest at 6 paise rupees a week. उसे 6 paise प्रति रुपए के हिसाब से प्रति सप्ताह 5 rupees के साथ ब्याज के तौर पे देना था। At the tea shop he owed over 3 rupees for 2 weeks, beside previous areas amounting to 1.5 rupees. इसके अतिरिक्त एक चाय वाले की दुकान पे कई दिनों से चले आ रहे 1.5 rupees के अतिरिक्त 2 सप्ताह से 3 rupees और अधिक देना था। He owed 6 rupees to Alice for supplying extra rice, beans and other oats and beans. और इसके अतिरिक्त अली को भी चावल, बीड़ी और अन्य वस्तुएं खरीदे था, जिसका 6 rupees देना था। वन मंथ हाउस रेंट वाज 3 rupees और 1 महीने का किराया उसको 3 rupees देना था। इन एडिशन टू दिस सम ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 paise, 25 paise एंड 50 paise फ्रॉम सेवरल पीपल। और इन सब को जोड़ने के बाद भी उसने कई छोटे कर्जे जैसे 12 paise, 25 paise और 50 paise कई लोगों से ले रखे थे। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर अबाउट द 1 rupees टू बी पेड टू द फिश वुमेन, और उसकी पत्नी ने 2 दिन पहले ही उसे याद दिलाया था कि 1 rupee मछली वाली को भी देना था। संकुस मेंटली एडेड अप the total amount that he needed. शंकु मन ही मन इन सबको जोड़ लिया जिसको उसे आवश्यकता थी। All the best, मिलते हैं इसी चैप्टर को लेकर के अगले वीडियो में 3 passages के साथ।